यहाँ तो ये वीडियो के शुरू में जो तुमने जूते देखे हैं ना, वो थोड़ी देर में मैं तुमको बेचने बताने वाला हूँ कि कैसे तुम इनको खरीद सकते हो, तो वीडियो को एंड तक देखना। अब क्या हाल है सबके? मैं नहीं बताऊंगा। तो मेरे भाई लोग, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं जल्दी किसान प्रोटेस्ट के ऊपर एक वीडियो बनाने वाला हूँ। बेसिकली ये वही वीडियो है जिसके बारे में मैंने तुमसे इंस्टाग्राम पर प्रॉमिस किया था, बट मुझे थोड़ा सा ऐसा कॉन्टेंट मिल गया जो मैं सोच रहा हूँ कि तुमको दिखाऊं, जो मुझे लगता है पर्सनली कि तुमको देखना चाहिए। तो इस वीडियो में हम सिर्फ किसान प्रोटेस्ट की बात नहीं करेंगे बल्कि और भी चीजों को इसमें ऐड कर देंगे। दैट्स द रीजन इस वीडियो का नाम होगा ट्रेंडिंग ऑफ दिस वीक, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि जब मेरे पास कोई कंटेंट नहीं होता है तब मैं अपनी ये सीरीज लेके आ जाता हूँ और तुम इसको एंजॉय भी करते हो। झूठ मत बोलना। खैर, वीडियो शुरू होने से पहले मैं तुमको समझा देता हूँ कि इस वीडियो में मैं किसान बिल के बारे में बिल्कुल भी नहीं समझाने वाला हूँ, क्योंकि आई नो कि मेरे समझाने से ना तुम समझने वाले हो और जाहिर सी बात है मेरे समझाने से ना वो समझने वाले हो जो बिना सोचे समझे प्रोटेस्ट में आ गए। तो भाई लोग देखो, कुल मिला के बात ये है, समझ समझ के समझ को समझो, क्योंकि समझ समझना भी एक समझ है, और जो समझ समझ के भी ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझ है। समझ है ना आप? लेकिन सुन के अच्छा लगा। सो भाई लोग, तुम ही बता दो, आई एम राइट और रॉन्ग? यू आर राइट ब्रो। बस भाव ने बोला तो सोच समझ के बोला होगा ना। खैर, बहुत होगी फालतू की बातें, वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूं। तो भाई इस हफ्ते हमारी सबसे पहले न्यूज आ रही है मिस्टर NRI की तरफ से। तो भाई आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि मिस्टर NRI अक्सर अपनी वीडियोस में गोदी मीडिया को एक्सपोज करते रहते हैं। बेसिकली मिस्टर NRI का ये कहना होता है कि आप प्लीज गोदी मीडिया को मत देखिए, आप प्लीज टीवीज को मत देखिए, क्योंकि गोदी मीडिया अक्सर रियल फैक्ट्स को मैनिपुलेट करके आपको दिखाती है। अक्सर गोदी मीडिया आपके सामने फेक न्यूज स्प्रेड करती है। अक्सर गोदी मीडिया सिर्फ और सिर्फ प्रोपोगंडा चलाती है और ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन आप तक ना जाए, इसलिए मिस्टर NRI अक्सर अपनी वीडियोज में अच्छे अच्छे चैनल्स को और अच्छे अच्छे जर्नलिस्ट को प्रमोट करते रहते हैं। सेम ऐसी जर्नलिस्ट है जिनका नाम है अभिशार शर्मा। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि मिस्टर अभिशार शर्मा कौन है। अभिशार शर्मा एक जर्नलिस्ट थे, एक पत्रकार थे एबीपी न्यूज के लिए, जिनको उनकी नौकरी से लात मार के निकाल दिया गया था इस वजह से क्योंकि उन्होंने एक रेप को लेकर फेक न्यूज फैला दी थी जिससे दंगे हो सकते थे। बट मिस्टर NRI की नजर में वो एक अनबायस्ड रिपोर्टर है, इसलिए मिस्टर NRI अभिशार शर्मा को सिर्फ एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, पांच बार नहीं, दस बार नहीं, कई बार अपने चैनल पर प्रमोट कर चुके हैं। अब मिस्टर NRI किसी चीज को प्रमोट कर रहे हैं, दैट्स मीन उसमें कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी। वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छे फैक्ट्स तो देते ही होगा गोदी मीडिया के मुकाबले। ऐसी कुछ लॉजिकल फैक्ट्स वाली वीडियो मुझे देखने को मिली जो कि मिस्टर अभिशार शर्मा की थी। सीरियसली गाइस, उस वीडियो को देखने के बाद मैं अपने राइट ही लेफ्ट हाथ से खाना खाने लगा था। समझ रहे होगे तुम उस वीडियो में कितना ज्यादा ऑर्गेज्म होगा लेफ्ट को लेके। ये जोक बहुत कम लोगों को समझ में आया। सो पॉइंट इज दैट, जब मेरे को ऑर्गेज्म आ गया तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती मैं तुमको भी ऑर्गेज्म दिलाऊं? बनती है ना। बस तो अब इस वीडियो को देखो, उसके बाद आगे बात करते हैं। लाल किले में कभी भी किसी भी मौके पर तिरंगे को हटाकर वहां पर निशान साहब का झंडा नहीं फहराया गया है, ये झूठ बोलना बंद करो। तो सर बताना चाहूंगा, मैं MP में रहता हूँ। MP में एक जगह है रायसेन, और रायसेन में एक बहुत ही ज्यादा फेमस डॉक्टर है जिनका नाम है डॉक्टर अग्रवाल। वो मात्र 200-300 रुपए में ना आपका इलाज कर देते हैं। तो प्लीज कभी ना टाइम निकाल के MP के रायसेन में आओ, क्योंकि तुम्हारी आंख में जो मोतियाबिंद हुआ है ना उसका इलाज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इलाज जानते हैं किसकी है? 34 वर्षीय किसान नवनीत की, उत्तराखंड का रहने वाला नवनीत। ITO में ये अपने ट्रैक्टर के साथ जाता है और कैरवान की इस खबर के मुताबिक उसकी आंख में गोली लगती है और उसका ट्रैक्टर फिर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। सच तो यह है दोस्तों कि सत्ता में बैठे हमारे हुक्मरानों की कोई जवाबदेही नहीं। नवनीत को मौत के घाट उतार दिया, कितने चैनल्स ने इस मुद्दे को उठाया बताइए। इसी फेक न्यूज के चलते ना अभी हाल ही में एक पत्रकार को लात मार के निकाला गया, सेम इसी न्यूज के चलते। और एक बार बेशर्मी देखी मिस्टर NRI के अनबायस्ड रिपोर्टर की, छाती चौड़ी करके फेक न्यूज फैला रहा है, वो भी ऐसी वैसी फेक न्यूज नहीं, वैसी फेक न्यूज जिससे दंगा भड़क सकता है। ये नवनीत सिंह की तस्वीर है, 34 वर्षीय नवनीत, जिसकी एक पत्नी होगी, जिसके छोटे छोटे बच्चे होंगे। वो नवनीत जो मुझसे भी कम उम्र का है, इसकी मौत के लिए जिम्मेदार कौन है? कोई जवाब नहीं तय की जाएगी। अक्सर मिस्टर रविश कुमार कहते हैं ना गोदी मीडिया डर का माहौल बना रही है, मैं आज उनसे कहना चाहूंगा कि आपके ये अनबायस रिपोर्टर दंगे का माहौल बना रहे हैं। देखो गाइस, आप में से ज्यादातर लोगों को पता होगा 26 जनवरी को क्या हुआ, नहीं पता है तो मैंने ये वीडियो बनाई, जाकर देख लेना। 26 जनवरी को इतना ज्यादा गर्मा गर्मी का माहौल था ना, अगर एक फेक न्यूज स्प्रेड होती ना, मैं लिख के दे रहा हूँ, ये जो दंगा करा है ना इन दंगाइयों ने, इससे 10 गुना बड़ा दंगा कर देते, ये सिर्फ एक फेक न्यूज के चलते। और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मिस्टर NRI के अनबायस रिपोर्टर की वीडियो 26 जनवरी की ही है, उसी दिन उन्होंने बिना रिसर्च करे ये फेक न्यूज पब्लिकली स्प्रेड की थी। और तो और ना इस वीडियो को इन्होंने फेसबुक से डिलीट किया, ना ही यूट्यूब से। ये झूठ बोलना बंद करो। सो मिस्टर NRI, अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि गवर्नमेंट इंटरनेट को बैन क्यों करती है, जब आपके ऐसे अनबायस रिपोर्टर इस तरीके की फेक न्यूज फैलाते हैं जिससे दंगा हो सकता है, ये फेक न्यूज ज्यादा लोगों तक स्प्रेड ना हो, दैट इज द रीजन इंटरनेट को बंद कर दिया जाता है और इस चीज को ह्यूमन राइट वायोलेशन का नाम दे देते हैं। अगर सरकार नेट चालू रखे और इस तरीके की फेक न्यूज स्प्रेड हो जाए तो आप लोग बोलेंगे पुलिस क्या कर रही थी, और अगर गवर्नमेंट नेट बंद करते तो फिर आप बोलेंगे कि हमारे किसानों की ह्यूमन राइट्स को छीना जा रहा है। आपके सगे दोस्त इस तरीके की फेक न्यूज स्प्रेड कर रहे हैं, कभी उस बारे में भी बात करो ना, उनको बोलो कि इस तरीके की न्यूज मत फैलाओ,
ऐसी फेक न्यूज स्प्रेड मत करो जिससे दंगा भड़क सके। न तुम ऐसी फेक न्यूज बनाओगे, न इंटरनेट बंद होगा, न आपकी रियाना को ट्वीट करना पड़ेगा कि ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन किया जा रहा है। समझ आया मिस्टर एनआरआई? ये झूठ बोलना बंद करो। खैर तुम्हें एक फन फैक्ट भी दे देता हूँ जिनको मैं बार बार दंगा ही बोल रहा हूँ, जिन्होंने वाकई में दंगा किया था। मिस्टर एनआरआई के अनबायस्ड रिपोर्टर के हिसाब से वो लोग दंगा ही नहीं थे, वो भटके हुए नौजवान थे। मैं जानता हूँ कि कुछ युवा आपा खो गए हैं और वो आपा क्यों खो गए हैं उसकी भी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, मगर इसके चलते आप उन्हें अराजक तत्व बता दें। वो जो युवा आज की तारीख में कुछ देर के लिए भटक गया, कुछ देर के लिए नाराज हो गया, क्या आपने उसकी मनस्थिति को टटोलने का प्रयास किया है? इतना बढ़िया तरीके से ग्लोरीफाई किया जा रहा है और लोगों को मैनिपुलेट करने का काम सिर्फ गोदी मीडिया करती है। खैर मिस्टर अभिषार शर्मा ने तो अभी तक कोई भी पब्लिकली अपोलॉजी नहीं मांगी इस फेक न्यूज के चलते। उम्मीद करता हूं उनके दोस्त मिस्टर एनआरआई इस बात के लिए अपोलॉजी मांग लेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये छोटी नहीं बहुत बड़ी फेक न्यूज फैला रहे हैं और इनको देखने वालों की तादाद हजार दो हजार में नहीं लाखों में। ये झूठ बोलना बंद करो। तो यार गर्मा गर्मी का बहुत ज्यादा माहौल हो गया, आप थोड़ा सा माहौल को ठंडा करते हैं। आपको बताना चाहूंगा जब भी आपसे कोई मिलता है वो सबसे पहले आपकी देखता है शक्ल और उसके बाद देखता है आपका देखता है आपके जूते। सो पॉइंट इज दैट कि तुम्हारे पास अच्छे जूते होने चाहिए अगर तुम अच्छे लुक में रहना चाहते हो। मेरे पास भी तरह तरह के जूते हैं, कैजुअल भी हैं, फंकी भी हैं और जो मैं डेली यूज में पहन सकता हूं वो भी हैं। अब मैं तुमको बताना चाहूंगा जिन जूतों की मैं बात कर रहा हूं ना, इसी तरीके के अच्छे क्वालिटी के अच्छे दिखने वाले सेक्सी जूते तुमको 600 के अंदर मिल जाएंगे। इनफैक्ट अगर तुम अभी मेरे डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से जाकर शॉपिंग करते हो तो तुमको 399 में एकदम फंकी सेक्सी जूते मिल जाएंगे। तो माय स्टोर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाओ जाकर शॉपिंग करो, सेक्सी सेक्सी जूते खरीदो और भी तमाम चीजें जहां तुम्हारा मन लग जाए तुम वो खरीदो, क्वालिटी एक नंबर है, दैट्स इट। हेलो, अच्छा ठीक। तो गाइज मेरे को अभी पता चला है कि सिर्फ और सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए अभी चल रही है डील ऑफ द डे, जिसमें अगर तुम आज मेरी दी हुई लिंक से इस जूते को खरीदते हो जो कि 449 रुपीस का है, वो आज मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए 449 का नहीं 469 का पड़ेगा। सो जाओ भाई अब देख क्या रहो, जाकर शॉपिंग करो। खैर अब अपन चलते अपनी अगली खबर की ओर। तो मैं आपको बताना चाहूंगा बिग बॉस फेम स्वामी ओम की डेथ हो गई है। आ रही थी। हाँ तो गाइस हमारी अगली खबर आ रही है वैलेंटाइन डे वीक की तरफ से। जैसा आपको पता है कि वैलेंटाइन डे वीक शुरू हो गया है, एज एक्सपेक्टेड तुम्हें यूट्यूब पे और मीम पेजेस पे वो जोक्स दिखने लगे होंगे, निब्बा निब्बी वाले, बजरंग दल वाले, सिंगल वाले, मेरा उल्टा हाथ ही मेरी गर्लफ्रेंड है, इस तरीके के जोक्स आपको सुनने मिल गए होंगे। तो सुनो और एंजॉय करो क्योंकि रिपीटेड कॉन्टेंट चलता रहेगा, इनफैक्ट ट्रेंडिंग पे भी आएगा और इस बारे में मैं क्या मोदी जी खुद बात कर चुके हैं एक बार। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनकी पीन अटक जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि कुछ रोस्टर्स और कुछ मीम पेजेस होते हैं जिनकी पीन अटक जाती है तो एक चीज दिमाग में भर जाती है तो बोलते रहते हैं। हमारी अगली खबर आ रही है हमारे पंजाब के अन्नदाताओं की तरफ से। एक्चुअली में ये बहुत पुरानी खबर है जो मैं तुम्हें आज बता रहा हूँ। हमारे पंजाब के कुछ अन्नदाताओं ने तकरीबन 1500 से 1400 जियो टावर्स को तोड़ दिया था। एंड फन फैक्ट ये, इनमें से आधे से ज्यादा टावर्स को जियो ऑलरेडी कनाडा बेस्ड कंपनी ब्रुकफील्ड को बेच चुका था। पर जी 80 बिल थोड़ी पड़ेंगे, 80 तो टावर तोड़ेंगे, 80 तो अंबानी का नुकसान करेंगे, 80 ITC सेट्स के बारे में कभी बात नहीं करेंगे जो ऑलरेडी सालों से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रही होती है, 80 तो बात करेंगे अंबानी और अडानी की जिसका किसानी से कोई लेना नहीं है। अब देखो गाइस तुमको लग रहा होगा कि हमारे ये जो सो कॉल्ड अन्नदाता हैं, इन्होंने गुस्से में आके, अभिषेक शर्मा बता चुके हैं ना, गुस्से में आके लोग वायलेंस कर देते हैं और वो आपा क्यों खो गए हैं उसकी भी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, मगर इसके चलते आप उन्हें अराजक तत्व बता दें। अकॉर्डिंग टू मिस्टर अभिषार शर्मा, हमारे पंजाब के कुछ अन्नदाता गुस्से में आके इन टावर पे चढ़ गए होंगे और इनको तोड़ दिया होगा। बेसिकली आपको भी ऐसे ही लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे इन सो कॉल्ड अन्नदाताओं का उद्देश्य जो टावर्स को तोड़ना नहीं है। जब हमको पता है कि दूसरी कंपनी के, तो इनको भी पता होगा ये वहीं रह रहे हैं। इन दंगाइयों का मेन इंटेंशन सिर्फ एक ही था कि कुछ भी करके इंडियंस कंपनी को और इंडिया के बाहर की कंपनी को ये एग्जांपल सेट करके दिखा दो कि अगर तुम इंडिया में इन्वेस्ट करोगे और उस गवर्नमेंट के साथ मिलकर इन्वेस्ट करोगे जिसको हम पसंद नहीं करते हैं, तो हम आपकी संपत्ति को कुछ इस तरीके से नुकसान पहुंचाएंगे। ये कुल मिला के इंडियन इकोनॉमी को तोड़ना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि FDI इंडिया में ना आए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में ना हो, दैट द रीजन ये लोग ऐसी हरकतें करते हैं। तो प्लीज इन चीजों को ये मत समझो कि ये गुस्से में आके कर गए या बिना सोचे समझे कर गए, नहीं, इसके पीछे इनका कोई ना कोई माइंड सेट है। प्लीज इन सब चीजों से थोड़ा ऊपर उठो और सच को देखना शुरू करो। अगली खबर आ रही है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से। महाराष्ट्र गवर्नमेंट सचिन तेंदुलकर, अक्षय कुमार और बाकी जितने भी सेलिब्रिटी हैं जिनने इंडिया टुगेदर वाले ट्वीट किए थे, उनकी NIA से जांच करवाने वाली, क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है कि इन्होंने किसी के दबाव में या फिर किसी के कहने पे इस तरीके के ट्वीट किए थे। अच्छी बात है, होनी चाहिए जांच, होनी चाहिए, क्योंकि आइए उसको महाराष्ट्र में किसी साधु से बड़े या सेना से बड़े ये ट्वीट्स हैं, जब ये पालघर के ऊपर जांच नहीं की गई और इनके ऊपर NIA चढ़ा दी गई।
हमारी अगली न्यूज आ रही है हमारी क्रेटा मिया खलीफा और रियाना की तरफ से। बेसिकली मैं इनके ट्वीट्स के बारे में ऑलरेडी जी न्यूज में बात कर चुका हूँ, जिन्हें नहीं देखा है जाकर देख लेना। जी न्यूज और टीवी 9 में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये ट्वीट्स किस तरीके से होते हैं और इनके पीछे जो भी स्टोरी होती है वो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। बाकी इधर पर मैं यही बताना चाहूंगा कि मैं इन ट्वीट्स को उतना ही सीरियस लेता हूँ जितने हमारे किसान न्यू फार्म बिल्स को ले रहे हैं, क्योंकि सीरियसली बताऊं तो इनके ट्वीट से ना आपको कुछ मिलने वाला है, ना मेरे को कुछ मिलने वाला है, ना उनको मिलने वाला है जो बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, ना हमारी गवर्नमेंट को कुछ मिलने वाला है। लेकिन कुछ लोगों को इससे मिलने भी वाला है, जैसे रियाना को 2.5 मिलियन और अमेंडा शेरनी को बेमतलब के लाइक्स। अगली खबर है हमारे केजरीवाल सर जी की डॉटर की तरफ से। उनके साथ एक ऑनलाइन स्कैम हो गया है, गलत हुआ। ऐसे स्कैम्स रोज होते हैं जिनके बारे में मैं वीडियोस में अपनी बात करता हूं। उफ़, हमारी मेन मीडिया और हमारी पुलिस उन स्कैम्स को भी इतना ही सीरियस ले जितना सीरियस उन्होंने केजरीवाल सर की डॉटर को लिया है। बाकी मैं केजरीवाल सर से यही कहना चाहूंगा, सर भले ही आप मुझे राइट समझे या लेफ्ट, मेरी वीडियोस को देखा करिए, क्योंकि मैं ऐसे स्कैम्स को एक्सपोज करता रहता हूं। एंड बताना चाहूंगा यूट्यूब एकदम फ्री है, बस यहां पे छोटी सी दिक्कत है आपके लिए कि यहां पे इलेक्शन। सो गाइस आज का वीडियो पे खत्म करते हैं। अगर तुम वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट में मेरे को बताओ कि तुम मेरे से किस जगह पे ऑफेंड हुए, किस जगह पे मैं तुम्हें बहुत ज्यादा ऑनेस्ट लगा हूं, किस जगह मैं अनबायस्ड लगा हूं। हालांकि मैं तो बायस्ड हूं आप लोगों की नजर में, आप नहीं काफी लोगों की नजर में। अगर वीडियो पसंद आया तो तुम मुझे ट्विटर पे फॉलो करो। जी हां, ट्विटर पे फॉलो जरूर करो, क्योंकि ट्विटर पे आजकल मैं फैक्ट्स और भसड़ बहुत ज्यादा कर रहा हूं। तो ये रही मेरी ट्विटर आईडी, आकर मुझे ट्विटर पे फॉलो कर लो, आकर मुझे इंस्टाग्राम @samarbhaiofficial पे फॉलो कर लो। बाकी जूते खरीदने तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर खरीद लेना। बाकी अगर तुम फार्म लॉ को समझना चाहते हो तो एक लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, 3-4 घंटे की वीडियो है, देख लेना, अच्छे से तुम्हें समझ आ जाएंगे फॉर्म लॉस क्या है, फॉर्म बिल्स क्या है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर देखना टाइम है तो देख लेना। बाकी तो सब सेट है, सम्राट भाई बेस्ट है, जय श्री राम। ये झूठ बोलना बंद करो।